ओम शांति। आपका प्रश्न है, पानी चार्ज करके पीने से हम शक्तिशाली बनते हैं? ये शब्द सब सुनते हैं, परंतु पानी चार्ज करने के लिए चार्ज करने की प्रॉपर विधि मालूम हो, केवल शब्दों के उच्चारण से नहीं, पानी को चार्ज करने के लिए पानी चार्ज करने वाला इतनी खुशी में भरा हुआ हो, स्वमान की स्मृति में हो कि मैं सारे संसार के रचयिता का मास्टर बच्चा हूं, तो उनके सब गुणों को भी मुझे अपने जीवन में अच्छी तरह धारण किया हुआ है, तब मैं मास्टर रचयिता हूं। वो गुण यदि धारणा में नहीं है, अपने जीवन में नहीं है, उनको मैं सिर्फ कह रहा हूं, तो पानी चार्ज ही नहीं होगा। ज्ञान स्वरूप धारण मूर्त आत्मा ही पानी को चार्ज कर सकती है। आप पानी को चार्ज करके पीना, ये तो हुआ कि वे पानी चार्ज करके किसी और को दे रहे हैं, अपने लिए पानी को चार्ज नहीं करना, अपने लिए तो अपने आप को चार्ज करना है। अपने आप को चार्ज करेंगे तो पानी भी चार्ज होगा और शरीर को भी अपना प्रभावित करेगा। पानी का चार्ज होना इन सातों गुणों में से कोई एक गुण होगा, उसे आप प्रेम से, शांति से, पवित्रता से, ज्ञान से, आनंद से, शक्ति से, सुख से भरेंगे। इन सातों गुणों से
पानी को चार्ज किया जाता है। तब है परमात्म याद में पानी को चार्ज करना। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं पानी को चार्ज कर रहा हूं इनके पेट का रोग ठीक हो जाए, इनके शरीर का कोई रोग ठीक हो जाए, शरीर का कोई अंग ठीक हो जाए, शरीर की कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो ये परमात्म याद में किया गया पानी चार्ज नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से याद रख, जो आप कर्म कर रहे हैं देह और देह के संबंधियों के लिए कर रहे हैं तो नेचुरल स्मृति है देह की और देह के संबंधियों की, और किया गया कर्म परमात्म याद नहीं, अकर्म नहीं, देह समझ कर किया गया कर्म विकर्म ही कहलाएगा, स्थूल कहलाएगा, और उस कर्म का अकाउंट विकर्म का बनेगा, द्वापर कलयुग का बनेगा। सत्युग का नहीं, स्वर्ग का नहीं, परमात्म ज्ञान का नियम है आत्मा पवित्र होगी तो शरीर पवित्र मिलेगा, आत्मा पावरफुल होगी तो शरीर भी पावरफुल मिलेगा, बीमार आत्मा है तो निरोगी भी आत्मा को बनाना, ये लक्ष्य पानी चार्ज करने में, पानी चार्ज करने वाले में होना चाहिए। कौन सा कर्म, अकर्म या विकर्म बना रहा, परमात्मा कहते बच्चे मैं तुम्हारे शरीरों का इलाज करने नहीं आया हूं, तुमने मुझे पतित से पावन बनाने के लिए बुलाया है तो मैं तुम सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाने आया हूं। ये बात सूक्ष्म लोक की है, सूक्ष्म अवस्था की है, ये आत्मा के लिए। सूक्ष्म अवस्था का मतलब ही है रूहानी स्मृति और संकल्प। मैं आत्मा हूं, आत्मा समझकर सर्व को आत्मा देखते हुए किसी देह का आवरण उसको दिखाई ही ना दे, देखते हुए उसके प्रति नजर ना जाए, जिसे बाबा कहते स्त्री पुरुष का भान भी ना रहे, अपने पराय का भान भी ना रहे,
अमीर गरीब छोटा बड़ा अपना पराया ये सब उसकी बुद्धि में ना आए, तब वो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन पानी चार्ज करे तो वे किसी आत्मा को सशक्त बनाए। उस आत्मा को उस गुण से संपन्न बनने में सहयोग देगा, परंतु पानी को चार्ज देह के लिए किया तो वे विकर्म का खाता बना दे। अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ होगा, फिर भी और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।